बालों को तेजी से लंबा काला घना करने का यह उपाय आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल हेयर सोल्यूशन में एक बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। काले घने और लंबे बाल न सिर्फ आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य की भी निशानी है। बाल प्रोटीन से बनते हैं, हमारे बाल प्रोटीन से बनते हैं, ऐसे में बालों को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलते रहना बेहद ही जरूरी है। प्रोटीन से बालों को पोषण मिलता है जिससे बाल काले घने व लंबे होते हैं। हम आज आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे आसान घरेलू उपाय बताएंगे जिन्हें अपना करके आप अपने बालों को तेजी से लंबा काला घना बना तथा बाल झड़ने की समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपाय। पहला उपाय यह है कि अरंडी का तेल। बालों को लंबा करने के लिए अरंडी का तेल आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। वह अगर आप अपने बालों में अरंडी का तेल लगाते हैं तो इससे आपके बाल दुगने मजबूत और घने होंगे जिससे कि बालों की झड़ने या टूटने की समस्या भी दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय यह है कि आलू का रस। आलू का रस बालों को झड़ने से रोकता है और बालों को घना लंबा करने में मदद करता है। सिर को धोने से 15 मिनट पहले आलू का रस अपने बालों और स्कैल्प में लगाएं। आलू में मौजूद विटामिन बी आपके बालों को मजबूत बनाता है, बाल झड़ने की समस्या से भी छुटकारा दिलाता है। तीसरा उपाय यह है कि एलोवेरा बहुत ही उत्तम होता है। घने बाल पाने के लिए एलोवेरा आपके बालों को जरूरी पोषक तत्व और नमी प्रदान करता है। इसका प्रयोग करने से आपके बाल मजबूत होंगे। चौथा उपाय यह है कि रीठा भी ऐसी जड़ी बूटी है जिसका प्रयोग आपके बालों पर किया जा सकता है। यह आपके बालों को साफ सुथरा और काला घना लंबा करेगा तथा बाल झड़ने की समस्या से भी छुटकारा दिलाएगा। पांचवा उपाय यह है कि बालों के लिए बादाम का तेल बहुत ही लाभदायक होता है। यह आपके बालों को पोषण देता है तथा बादाम के तेल में मिनरल्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट आदि मौजूद होते हैं जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। बालों को लंबा करने के लिए आपको बादाम के तेल को बालों की जड़ों तक लगा करके मालिश करनी चाहिए। इसका प्रयोग करने से आपके बाल बहुत ही जल्दी लंबे और मजबूत होंगे। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।